अपॉन. सो जग्गरनॉट, जग्गरनॉट ये शब्द कहां, उनकी शुरुआत कहां हुआ, कहां हुआ जग्गरनॉट का असली का मतलब क्या? आप डिक्शनरी देखेंगे, डिक्शनरी का मतलब है जग्गरनॉट मतलब एक बड़ा मशीन हो सकता है, एक टीम हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, एक संस्था हो सकता है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है, एक गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी. और जो जब आगे बढ़ रहा है उनको कोई नहीं रोक पाएंगे, वो चीज को बोलते हैं जग्गरनॉट, वो चीज को बोलते हैं जग्गरनॉट. ये शुरुआत कहां हुआ? 1850 पर रथ यात्रा पुरुषोत्तम धाम पूरी उड़ीसा में एक जगह है, वहां पे हर साल रथ यात्रा होता है. उस समय पे ना 1850 में एक ब्रिटिश टूरिस्ट, जब ब्रिटिश दिनों के अंग्रेजी वालों के दिनों में एक अंग्रेजी ब्रिटेन से आए हैं, पूरी गए थे, उस दिन वहां रथ यात्रा हो रहा था, वो रथ यात्रा को देखा. जब हजारों लाखों लोग रथ को खींच रहे थे, ऐसा खींच रहे थे, कई सारे लोग रथ के चक्रों के नीचे गिर के मर भी रहे थे, बट वो रथ को कोई नहीं रख पाया, वो रथ ऐसे ही आगे बढ़ रहा है. तो जब ये वापस गया, वापस जाने के बाद इस चीज के बारे में वहां के लोगों को बोल रहे थे, जग्गरनॉट का मतलब वो तो अंग्रेजी है, हम बोल सकते हैं जगन्नाथा, जगत का नाथा, जगन्नाथा बोल के हम लोग हिंदी तेलुगु संस्कृत जो जानते हैं हम बोल सकते हैं जगन्नाथा, बट अंग्रेजी वाला को जगन्नाथा बोलो भैया बोले पूछेंगे, वो बोलेगा जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ. सो जगन्नाथ, वो जगन्नाथ अंग्रेजी वाला को क्या हो गया? जग्गरनॉट हो गया. वो अंग्रेजी डिक्शनरी में जग्गरनॉट हो गया. ऐसे जग्गरनॉट शब्द, जग्गरनॉट शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में आया, क्योंकि वो रथ को भी कोई नहीं रोक पाते हैं, जग्गरनॉट. तो जगन्नाथा जगत का नाथ है. आप पूरी जाएंगे तो पूरी की जगन्नाथ मंदिर, चार धाम है हिंदू लोगों के लिए पवित्र धामों में, पूरी एक धाम है, पूरी रामेश्वरम द्वारका बद्रीनाथ, ऐसे चार धामों में एक धाम पवित्र धाम है पूरी. हर मंदिर में भगवान उन पत्नी के समेत रहते हैं, बट पूरी के मंदिर में उनकी भाई और बहन के साथ रहते हैं, भाई और बहन के साथ रहते हैं. और वहां पे हर साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि के दिन पर लाखों लोग, मिनिमम 10 लाख लोग वहां पे आते हैं, और उस दिन रथ की यात्रा होता है. असली में क्या होता है, हर एक मंदिर में देखेंगे तो गर्भगृह में जो मूर्ति होते हैं वो मूर्ति को एक बार प्रतिष्ठा किया उसको कभी नहीं हिलाते हैं, और बाहर शहर में घुमाने के लिए उत्सव मूर्ति होते हैं, बट इस मंदिर में इस दिन पर गर्भगृह में जो मूर्ति होते हैं वो ही मूर्ति भगवान खुद बाहर आते हैं, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जाने के प्रवेश एक केवल हिंदू लोगों के लिए, दूसरी मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे दूसरी धर्म मानने वाले के लिए ये अंदर प्रवेश मना है, और उनमें भी कुछ भक्तों हैं. ऐसे भी आप अमेरिका और यूरोप जाएंगे वहां पे कई सारे जो लोग कृष्ण भक्त बन जाते हैं, हिंदू की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर भी वो लोगों को भी अंदर प्रवेश मना है. इसलिए भगवान खुद बाहर आते हैं, खुद बाहर आते हैं मंदिर से और दर्शन देते हैं. ये है उनकी तीन रथ, जगन्नाथ जी का रथ, सुभद्रा माता की और बलभद्रा की, बलराम की रथ. तीन रथ देखो, पूरी 100 फीट का बड़ा डंडा बोलते हैं, पूरी मंदिर से जो श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जो रास्ता है उस रास्ते में जाते हैं, तो तीन रथ है. और वहां की मूर्तियों की जो आकार है, सो जैसे अलग अलग दूसरे मूर्तियों में जो पूरी जो तन मन हाथ पांव सब रहते हैं, इधर नहीं है, केवल आधा ही होता है, उसके लिए बहुत लंबा स्टोरी है, अभी बोलने के लिए जगह नहीं है. सो बालभद्रा, सुभद्रा और जगन्नाथ कृष्ण भगवान, ये है जगन्नाथ का मूर्ति जब बाहर आ रहा है. और जगन्नाथ ये जो एक एक रथ देखेंगे तो 45 फीट का बड़ा रथ है. हर साल ये रथ नए बन जाते हैं, और केवल कलश और ये नहीं, देख लीजिए हर साल ये जो एक स्ट्रक्चर है एक रीति है, एक नियम है, उसी के अनुसार बनते हैं. 7-7 फीट का डायमीटर की जो चक्र है, बसंत पंचमी के दिन पर जंगल में जाते हैं, हर एक पेड़ का लकड़ी इसके लिए काम में नहीं आएगा, स्पेशल पेड़ को सेलेक्ट करके लेके आते हैं. अक्षय तृतीय के दिन पर हर साल कंस्ट्रक्शन शुरुआत होता है, इस साल भी शुरुआत हो गया है. ओके, जुलाई में जनरली होता है. सो पूरा देख लीजिए. यस, क्यों ये रथ क्यों अनस्टॉपेबल बन गया, ये क्यों जग्गरनॉट बोला गया है, क्या होता है उसमें, इतना ताकत क्यों आया? मैं आपको 6-7 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं वो रथ यात्रा की.
हृदय यात्रा की जो पूरी में होता है वो एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देख लीजिए आप, ये वीडियो देख लीजिए और बताइए आपको क्या लगा, क्यों ये रथ यात्रा, ये रथ अनस्टॉपेबल जगन्नाथ जैसा बन गया। रथ यात्रा देख लीजिए, आनंद ले लीजिए। ऐसा यहाँ पे कोई भी कभी पूरी गए थे? कोई कभी पूरी गए थे? वेरी गुड। रथ यात्रा देखे थे कोई? रथ यात्रा के दिन पर कभी कोई है? वेरी गुड, थैंक यू साहब, थैंक यू। दूसरों को भी देखने के लिए मौका दे देंगे अभी। रथ यात्रा देखे थे, कैसे लगा? बहुत सुंदर। कैसे इतनी ताकत, वो रथ को कैसे आया? ऐसे आगे बढ़ रहे कोई नहीं रोक पा सकते हैं। क्यों, क्या हो सकता है, क्या है, आपको क्या देखने को मिला, क्या कारण हो सकता है ये रथ इतना? चलो बातचीत करेंगे हम, केवल मैं ही बोलना नहीं, हम सब बोलेंगे। बोलिए साहब, क्या हो सकता है इसको इतना ताकत कैसे मिला ये रथ को? हाँ, यूनाइटेड एफर्ट्स, टीम वर्क। ये एक दो आदमी खींचेंगे तो ये रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। इतना सारे लोग आके ये रथ को एक ही दिशा पे, एक ही दिशा पे, कॉमन लक्ष्य है, कॉमन गोल है, उसी दिशा के ऊपर खींच रहे हैं, एक टीम बनके, यूनाइटेड बनके, इसलिए ये आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, और क्या कारण हो सकता है? पॉजिटिव एनर्जी। सब लोग कुछ तो कुछ करना चाहते हैं वहां पे, उनको एक भावना है हमको मुक्ति मिलेगा, मैं भी जाऊं, मैं भी वो रस्सी को पकड़ूं, मैं भी खींचूं, भगवान के एक सफर में, ये सफर में मेरे भी योगदान मैं दूं, बोल के हर एक का पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। वेरी गुड सर, आपका शुभ नाम? भूषण जी, भूषण जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर, और क्या देखने को मिला आपको? यस यस सर, हाँ, उत्साह, enthusiasm, enthusiasm, लोगों में आपको enthusiasm देखने को मिला। सब लोग कुछ से कुछ करना चाहते हैं। Very good, energy, उत्साह से energy आता है, वो energy से इतने ताकत मिल रहा है। Very good sir, और वहां पे आपको एक चीज को देखा, महाराज, वो देश की महाराज है, वो रथ के ऊपर ले जाते हैं, झाड़ू लेके रथ को साफ करते हैं। कभी हम एक महाराज को झाड़ू लेके जमीन को साफ करना देख नहीं पाते हैं, बट हर साल ये जो महाराज, गजपति महाराज, रथ के ऊपर जाते हैं, झाड़ू लेके साफ कर रहे हैं। उसकी मतलब क्या है? उससे हमको क्या मैसेज मिल रहा है? उससे कुछ मैसेज मिल रहा है? ये सब नो ईगो, मैं हूं महाराज हूं, ये है बोल के कोई उनको ईगो नहीं है, ईगो नहीं है। सो ईगो नहीं होना चाहिए, हम्बल बनना चाहिए, भगवान के सामने सब एक हैं, सब एक हैं, एवरीवन इज वन, गॉड इज वन। भगवान के सामने सब टोटल सरेंडर हो जाएंगे तो उनकी उतनी शक्ति मिल जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और वहां पे एक आदमी बोलता है, एक आदमी कुछ बात किए थे, पता नहीं आप सुने नहीं इसने, एक आदमी बात किया ना, उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे मोर देन ए सेंस ऑफ गॉड, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब हम सब एक परिवार जैसा, हम सब सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हम भारतीय हैं, हम विजय एग्रो परिवार के सदस्य हैं, हमारी संस्था है, ये जो हम की बात, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उतनी ताकत लाता है, उतनी ताकत लाता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ, और कुछ। सो बहुत कुछ सीखने को मिला, बट मैं एक मैसेज, एक रहस्य, एक सूत्र, जो सक्सेस की सूत्र इस रथ यात्रा से लेना चाहता हूं, वो है वर्क इज वर्शिप। हमारे काम ही एक प्रार्थना है, वर्क इज वर्शिप, जो काम हम कर रहे हैं वो प्रार्थना जैसे हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरी सुबह से शाम तक मंदिर जाएं, वहां बैठें, वहां प्रार्थना करें, वो नहीं। प्रार्थना तो करें भगवान की, जो भगवान को हम मानते हो भगवान को प्रार्थना करें, बट वहां पे आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट जब भी कुछ धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू गॉड बोलेंगे, वो भी एक प्रेयर है। और उससे भी जो काम हम कर रहे हैं वही एक भगवान के लिए एक क्या है, प्रार्थना है।
प्रार्थना है, जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे तो भगवान के लिए वही प्रार्थना है। वर्क इज वर्शिप। जब हमारी प्रार्थना के समय कुछ गणपति नवरात्रि होता है ना, उन दिनों में एक अच्छा उत्साह बनता है, कमेटी बनाते हैं, बड़ा गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं, वहाँ दिन रात काम करते हैं करते नहीं करते हैं, और वो काम करने में बहुत उत्साह मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। कोई हमको बोलने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, हम खुद जाएंगे, खुद कुछ करेंगे, क्योंकि वो भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना जैसे हैं। जैसे ही जो काम हम कर रहे हैं वही भी एक प्रार्थना जैसे देखेंगे, केवल गणेश दिन की नवरात्रि के समय पे नहीं, हमेशा जो काम हम कर रहे हैं, किसान हमको अच्छा एग्री इनपुट प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, वो एक प्रार्थना जैसा है। हाँ या यस सर, नो यस सर। सो सर्विंग पीपल इज सर्विंग गॉड। जब लोगों की सेवा कर रहे हैं मतलब वो भगवान की सेवा जैसा है, एंड एस्पेशली सीइंग द गॉड इन ऑल, एस्पेशली द नीडी पीपल।